हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतरा स्क्वाड। प्लीज मुझे बताएं इफ इट इज विजिबल और नॉट। हाय, हेलो इकरा, वेलकम। आई होप सबको अपडेट मिल गई थी अबाउट द क्लास। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो, एवरीथिंग अबाउट ल्यूइस हेनरी मॉर्गन। हमारे यूजीसी नेट या फिर कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ल्यूइस हेनरी मॉर्गन रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद करने हैं एक्सेट्रा, दोज थिंग्स आई विल ट्राई टू कंपाइल इन दिस वन वीडियो। तो यहाँ पर सारे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं रिलेटेड टू मॉर्गन, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर एक वीडियो में मिल जाएगा। सो दोज ऑफ यू हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल अंतरा स्क्वाड ये प्लीज़ करें, बिकॉज नहीं तो आप लोगों को अपडेट नहीं मिलेगा। जो भी मैं डालती हूँ वो सारे अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और सो या सो लेट्स सी कौन कौन है हमारे साथ। हेलो इकरा, पौशली, आकांक्षा, मौर्या, यस, हेलो टू एवरीवन। ओके, यस, गुड आफ्टरनून नम्रता, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आकांक्षा, हेलो। सो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं अन अकेडमी में प्लस सेक्शन में यूजीसी एनटीए नेट सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ। सो दिस इज माय नेम, जिसको अगर आप सर्च करेंगे तो मैं आप लोगों को अन अकेडमी पे दिखूंगी। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी फ्री क्लासेस मैं करवाती हूँ उसके सारे पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने नहीं किया फॉलो अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल, प्लीज डू सो। हेलो मेनिका, अफू एंड लक्ष्मी, हेलो टू एवरीवन। सो सिंस ये हमारे शॉर्ट क्लासेस होते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। आई विल स्टार्ट विद द क्लास। बिफोर आई स्टार्ट, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि मैं पूरा सिलेबस जो है सोशियोलॉजी का वो मैं अन अकेडमी प्लस में पढ़ा रही हूँ। दो कोर्सेज हैं मेरे, बैच कोर्स और कंप्लीट कोर्स, और दोनों पे मैं 10 यूनिट्स कवर करवा रही हूँ। हम लोगों ने 4 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इफ यू पीपल वांट, अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पेपर वन पेपर टू दोनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर बुक, सारे मटीरियल्स मेरे साइड से सोशियोलॉजी का आप लोगों को मिल जाएगा। हेलो निकिता एंड प्रीति, वेलकम। सो वहां पर आपको रीडिंग मटेरियल्स, पीडीएफ्स, क्विजेस, मेरे साइड से मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस होती है मेरे हर रोज 3:30 और 7 बजे, और फ्री क्लासेस अन अकेडमी वाले 9 बजे होती है मेरी रात को। दिस इज माई कोड, रेफरल कोड, जिससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलती है। सो ऑल ऑफ यू दोज हू स्टिल वांट टू सब्सक्राइब, ये कोड आप लोग जरूर यूज करें, जिससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद हेनरी ल्यूइस मॉर्गन। सो मैं बिफोर आई गो अहेड, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या क्या जानते हैं मॉर्गन रिलेटेड। ओके, मॉर्गन रिलेटेड आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और वॉट आर द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जो आप लोगों ने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा मॉर्गन रिलेटेड, कुछ भी आप लोग बता सकते हैं। ऑल दो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दी है, मुझे आप लोगों से सुनना है कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मॉर्गन रिलेटेड यू पीपल थिंक आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। डोंट हेसिटेट, अगर गलत भी हो डू टेल मी, तो सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना होगा मॉर्गन का नाम। एनीबडी फ्रॉम द लाइव लर्नर्स कि मॉर्गन से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं। ही वॉज एन अमेरिकन एथनोलॉजिस्ट, यस। हेलो संघमित्रा, वेलकम। ओके, 5 टाइप्स ऑफ फैमिली दिया था उन्होंने। ओके, सो आई एम सीइंग कि काफी हद तक आप लोगों को आइडिया है, बट फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं विच आर रिलेटेड टू ल्यूइस हेनरी मॉर्गन, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, नंबर 1, ही वॉज बॉर्न ऑन November 21st, 1818। तो आप लोग टाइम जरूर कनेक्ट करें, जो भी थिंकर्स हम लोग पढ़ते हैं उनके साथ टाइम्स जरूर आप लोग कनेक्ट करें। 1818 आप देख सकते हैं, दैट ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी ओल्डर टाइम्स। ओके, बहुत पुराने जमाने के हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो यूएस के थे, जिसका मतलब वो अमेरिकन थे।
सो काफी हद तक आपको ये पूछा जा सकता है कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडर कौन थे। तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि मॉर्गन जो है वो ब्रिटिश नहीं थे पर अमेरिकन थे, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे। ही डाइड ऑन 17 दिसंबर 1881, ये जो साल है वो उल्टा हो जाता है उनके डेथ पे, एंड ही डाइड ऑल्सो इन द यूएस। तो यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर वन, वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। नंबर टू, वो फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी थे। फाउंडर, फादर, कुछ भी हो, कुछ भी ये लोग लिखे, फाउंडर या फिर फादर, सारे हमारे मॉर्गन हो जाएगा आंसर। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। ओके, नंबर वन इज द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने सेम तरीके जैसे स्पेंसर ने कहा है, कोम्ट ने कहा है, डर्कहाइम ने कहा है, इन द सेम वे ही सेज सोसाइटी भी तीन स्टेजेस में इवॉल्व होती है। ओके, सो ये तीन स्टेजेस हम लोग देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के काफी सारे टाइप्स के बारे में उन्होंने कहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी, जो नातेदारी होती है उसके काफी तरीके के हमारे क्लासिफिकेशन होती है जो उन्होंने बताया था, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट डिटेल स्टडी ऑफ किनशिप, काफी हद तक ये क्वेश्चन आया है नेट पे जहां पर उन लोगों ने पूछा है कि किनशिप के बारे में सबसे पहले डिटेल स्टडी किसने किया था, उसका आंसर हमारा लुईस हेनरी मॉर्गन हो जाएगा। उन्होंने इरोक्वेज ट्राइब पे स्टडी की थी। ये नाम बहुत ही अजीब है, तो जब भी इस तरीके के अजीब नाम आते हैं ट्राइब्स के, आप लोगों को याद रखना होता है कि कौन से थिंकर रिलेटेड होते हैं। सो इरोक्वेज ट्राइब पे हमारे हेनरी मॉर्गन ने पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि सोसाइटी जो है हमारा वो सबसे पहले मेट्रियार्कल था, महिलाओं का अथॉरिटी था सबसे पहले, महिलाओं का राज भी कह सकते हैं या फिर अथॉरिटी ऑफ वुमेन। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और भी। सो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट ईच ऑफ दीज टॉपिक्स इन डिटेल नाउ। सो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि वो सबसे पहले एथनोलॉजिस्ट थे। मैंने आप लोगों को एथनोलॉजिस्ट समझाया था ये क्या है। एथनोलॉजी और एथनोग्राफी में डिफरेंस ये हो जाता है कि एथनोलॉजी में आप लोग कंपेयर करते हैं बहुत सारे कल्चर को, सिर्फ एक कल्चर नहीं बहुत सारे कल्चर को आप लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स का आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, उसको हम लोग एथनोलॉजी कहते हैं। यस, हेलो नेहा, पृथ्वी, रीना, रुचि, हेलो टू एवरीवन। ओके, तो उन्होंने एथनोलॉजी यूज किया था सारे ट्राइब्स के किनशिप स्टडीज को पढ़ने के लिए। ओके, तो किनशिप के लिए वो सबसे पहले इंसान है जिन्होंने एथनोलॉजी यूज किया था। ही रिप्रेजेंटेड द सेनेका नेटिव अमेरिकन ट्राइब। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं। ओके, यस, सो सेनेका नेटिव ट्राइब से वो खुद बिलोंग करते थे। ओके, यस, एकरा ब्राउन बाद में आते हैं। इन 1951 मॉर्गन ने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी जिसका नाम है लीग ऑफ द इरोक्वेज। सो वहां पर उन्होंने जो भी एथनोलॉजी का स्टडी किया था, किनशिप रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, सारी चीजें उन्होंने इरोक्वेज ट्राइब का जो भी लिखा था इस किताब में उन्होंने समराइज किया। उसके अलावा उन्होंने और भी एक फेमस किताब लिखा था, दैट इज द सिस्टम ऑफ कंसेंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। ओके, यहाँ पर भी उन्होंने किनशिप के बेसिस पे कंपेयर किया था अलग अलग सोसाइटी को। हमें पता है कि किनशिप में सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये होता है कि कुछ आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं जिनसे आप लोग खून से रिलेटेड होते हैं, दूसरे जिससे आप लोग शादी करते हैं। सो उसके सारे बारे में उन्होंने इस पे दिखाया था। हिज थियरी दैट ह्यूमन सोशल लाइफ एडवांस्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोमिस्किटी टू मोनोगेमी इज समथिंग जो हम लोग देखेंगे। उन्होंने फैमिली के पांच स्टेजेस बताए थे, हम लोग अभी वो देखेंगे कि फैमिली के पांच स्टेजेस क्या थे और क्या मीनिंग है, मैं सारा आप लोगों को समझा दूंगी। सो उनके थियोरी को हम लोग कल्चरल इवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये दिखाया है कि सोसाइटी तीन स्टेजेस में पास हुई थी। ओके, तो ये सोसाइटीज तीन स्टेजेस वाले क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेज व्हाट मॉर्गन टॉक्स अबाउट इज सेवेजरी।
उसको उन्होंने सेवेजरी नाम दिया था। सेवेजरी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे, वहां पर एग्रीकल्चर, फार्मिंग ये सब कुछ भी नहीं था। ये लोएस्ट लेवल का जब है, जब इंसान बिगिनिंग में अर्ली मैन जब आए थे, तो यहाँ पर कुछ भी मतलब जो हम लोग गाय भैंस डोमेस्टिकेट करते हैं ये सब कुछ भी नहीं था। लोग सिर्फ शिकार करते थे, जो खाना उनको मिलता था वही खाते थे। ओके, तो दूसरा द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड बार्बेरिज्म। बार्बेरिज्म में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हो गया। ओके, जो कृषि संस्कृति है और द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन, ये यहाँ पर शुरू हुआ। लोग अपने घर पर डोमेस्टिकेट एनिमल्स भी रखने लगे। ओके, गाय भैंस जो भी, बकरी एक्सेट्रा, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो सारे यहाँ पर रखने लगे। इसके अलावा साइड बाय साइड कुछ और भी प्रोफेशन शुरू हुए थे, जैसे कि पॉटरी, पॉट्स बनाना या दूसरे क्राफ्ट के चीजें बनाना। थर्ड स्टेज पे उन्होंने कहा असली सिविलाइजेशन आया, तो इस स्टेज को उन्होंने सिविलाइजेशन कहा, जहां पर उन्होंने कहा कि राइटिंग, लिखने का जो प्रैक्टिस है, स्क्रिप्ट, लोग अपने चीजों को पहले सिर्फ ड्रॉ करते थे फिर लिखने का जब शुरू हुआ, वहां से उन्होंने कहा कि रियल सिविलाइजेशन शुरू होता है। ओके, सो ये उनके थ्री स्टेजेस हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस नम्रता, यस पृथ्वी, बोथ ऑफ यू आर राइट। अभी हम लोग फैमिलीज के स्टेजेस को देखेंगे, लेकिन स्टेजेस को देखने से पहले आप लोग इसका लॉजिक समझिए। लॉजिक या फिर पैटर्न को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि शादी थी ही नहीं। सबसे पहले वाले सोसाइटीज में प्रोमिस्किटी का मतलब हो जाता है कि वहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस था नहीं। जिसको जिसके साथ रहना था, जिसको जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में आना था, एवरीथिंग वॉज ओपन इन दो सोसाइटी। तो वहां पर जो फैमिलीज हुआ करती थी वो सिर्फ औरत, दैट इज द वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज एक बार बच्चे होने के बाद सिंस कोई रूल था नहीं, तो जो मेल मेंबर्स होते थे वो लोग कहीं और चले जाते थे। सो फर्स्ट फैमिलीज में वुमेन का सबसे बड़ा रोल था, इसीलिए उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेज जो था, फर्स्ट स्टेज में औरतों का राज था या फिर औरतों का अथॉरिटी था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो फैमिलीज था वो मेट्रिलिनियल या फिर मेट्रीआर्कल था। जबकि धीरे धीरे उन्होंने कहा प्रॉमिस कस से धीरे धीरे ऐसे रूल्स आने लगे। ओके, कि आप अपने भाई बहन के साथ नहीं शादी कर सकते, मम्मी पापा से नहीं कर सकते एक्सेट्रा। उसके बाद ग्रुप मैरिज आया, उसके बाद पॉलीगैमी, फिर आया मोनोगैमी। तो अभी हम लोग ये सारे स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे। नाउ बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टॉक मेनिका द मदर बुक इनका नहीं है, द मदर बुक है ब्रिफॉल्ट का। ओके, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ब्रिफॉल्ट का भी सेम उनका विचार था, बट ब्रिफॉल्ट का किताब है द मदर। ओके, यस। सो मॉर्गन ने किनशिप सिस्टम को दो कैटेगरीज में बांटा था, नंबर वन क्लासिफिकेटरी, नंबर टू डिस्क्रिप्टिव। सिंपल वर्ड्स में इन दोनों के मीनिंग क्या है हम लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेटरी वो होते हैं जहां पर आपके बायोलॉजिकल जो किन्स होती हैं वो लिमिटेड होती है, तो क्लासिफिकेटरी टर्म्स हम लोग अनलिमिटेड नहीं होती है, सॉरी अनलिमिटेड होती है, जैसे कि अंकल, आंट एक्सेट्रा, ये सारे लोग आपके बहुत सारे हैं। अंकल आपके 10 या 20 भी हो सकते हैं, आंट आपके 10 भी 20 भी हो सकते हैं। सो दीज आर मोर जनरल टर्म्स, जो इन जनरल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। ओके, यस। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जो हम लोग शब्द यूज करते हैं लिमिटेड लोगों के लिए। अब फादर आपके एक ही होंगे, मदर भी आपके एक ही होंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप लोग याद रखें कि किनशिप के बेसिस पे दो क्लासेस जो उन्होंने दी थी, क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव, उसके मीनिंग भी आप लोग याद रखें। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टेजेस ऑफ फैमिली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आज के वीडियो में। नंबर वन वो कहते हैं कि रिलेशनशिप पहले बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसकस थी, मतलब नो रूल्स, फ्रीडम था, जिसको जिसके साथ रहना है सबके साथ रह सकते हैं, और सोसाइटी सबसे पहले मेट्रिलिनियल या फिर मेट्रीआर्कल था। उसके बाद क्या हुआ, कंसेंग्विनल फैमिली आया। कंसेंग्विनल फैमिली मतलब लोग धीरे धीरे अपने ही भाई बहन से शादी करने लगे, सिबलिंग्स या फिर ग्रुप में। ओके, सो भाई बहन शेयर करके शादी करने लगे एटसेट्रा। ओके, तो यहां पर ये सारे चीजें शुरू हुआ, पहले फ्रीडम था, उसके बाद अपने भाई बहन के बीच शादी, इसीलिए उसको कॉन्सेंग्विनल कहा जाता है, अपने ही ब्लड रिलेटिव के बीच में अगर आप लोग शादी कर रहे हैं। उसके बाद आया पुनालुआन फैमिली,
पुनर्वान में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बहनें मिलके अगर हस्बैंड्स को शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए एक हस्बैंड है और बहुत सारे बहनें हैं, या फिर बहुत सारे बहनों का बहुत सारा हस्बैंड्स हो सकता है, तो एक ग्रुप की तरह वो लोग रहते थे। फिर आ गया सिंडास्मियन फैमिली। इसमें क्या होता है, यहाँ पर सिंगल पेयर आ गया, अभी यहाँ पर ग्रुप खत्म हो गया, अब लोग एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, एक इंसान एक औरत से शादी करेगा, एक आदमी एक औरत। लेकिन इस स्टेज में अभी तक एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का रूल नहीं आया था कि शादी करने के बाद दोनों को एक साथ ही रहना है, सिर्फ एक एक इंसान की शादी शुरू हुई पर अभी भी रहने का रूल आया नहीं था। देन वी सी पेट्रियार्कल फैमिली। पेट्रियार्कल फैमिली में क्या हुआ, एक आदमी और एक औरत का शादी शुरू हो गया और राइट्स ऑफ कोहैबिटेशन भी शुरू हो गया कि अभी शादी के बाद यू हैव टू स्टे टुगेदर एज वेल। और यहाँ पर जो मेल अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब से एक औरत और एक आदमी का शादी का फैमिली का रूल बन गया, तब से जो द मेल मेंबर्स थे उनका जो अथॉरिटी था वो बढ़ गया था। ओके, लास्टली ही सेज कि मोनोगैमस फैमिली फाइनली आया, जहां पर आजकल जो हमारा सिंगल पेयर शादी जो हम लोग देखते हैं, ये आ गया सिनेरियो में। तो मोनोगैमस मैरिज या फिर मोनोगैमस फैमिली उन्होंने कहा था सोसाइटी का लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट, जबकि उन्होंने कहा था सोसाइटी सबसे पहले मैट्रियार्कल या फिर मैट्रिलिनियल था। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में। दीज आर दी इंपॉर्टेंट बुक्स, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पूछेंगे। नंबर वन इज 1922 फेमस बुक द लीग ऑफ इरोक्वेस। मैंने आप लोगों को कहा है कि इस बुक में उन्होंने इरोक्वेस ट्राइब का डिस्कशन की थी। नंबर टू 1868 का फेमस बुक द कंजेक्चरल सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। उन्होंने दो तरीके के चीजों को दिया, हमने अभी डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी। ओके, देन वी कम टू 1997 फेमस बुक द सिस्टम्स ऑफ कंसैंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली एंड 1982 फेमस बुक द एंशियंट सोसाइटी। दैट्स ऑल। ओके, नाउ अनादर थिंग मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि ब्रिफॉल्ट बोल के और एक थिंकर थे जिन्होंने द मदर्स बोल के किताब लिखी थी। मदर्स हेनरी मॉर्गन का किताब नहीं है। उन्होंने भी कहा था कि सोसाइटी फर्स्ट स्टेज में मैट्रियार्कल हुआ करता था। ओके, सो आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, द मदर्स ब्रिफॉल्ट का है। इकरा सिंडास्मान फैमिलीज वो होता था जहां पर सिंगल पेयर मैरिज तो शुरू हो गया कि एक आदमी एक औरत से शादी करेगा, बट वहां पर ऐसे सारे रूल्स नहीं थे कि आपको शादी करने के बाद एक साथ रहना पड़ेगा। सो कोहैबिटेशन का जो राइट्स है वो नहीं था, आप किसी और के साथ भी कोहैबिटेट कर सकते हैं एक्सेट्रा, पर एक पेयर में शादी होना शुरू हो गया था। ओके, ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल अबाउट येस द मदर ओनली वन बुक जो कि ब्रिफॉल्ट का है, तो आप लोग लुईस हेनरी मॉर्गन के साथ कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट लुईस हेनरी मॉर्गन। आई होप आप लोगों को समझ में आया, दीज आर द मैक्सिमम थिंग्स जहां से आप लोगों को पूछा जा सकता है। थोड़ा आप लोग एग्जाम में कॉमन सेंस भी लगाइए, अगर पूछा गया कि सबसे पहले अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी किसने लाया था, या फिर सबसे पहले किनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था एटसेट्रा, ये सारी चीजें अगर आए तो आप लोग कॉमन सेंस लगा के समझ पाएंगे कि ये लुईस हेनरी मॉर्गन होगा। एंड अनदर थिंग, डू नॉट फॉरगेट, वो अमेरिकन थे, ही वॉज नॉट ब्रिटिश। तो अगर आया कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडर कौन है, तो वो मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इफ यू गाइज स्टिल वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, आप लोग कर सकते हैं, ये मेरा रेफरल कोड है। एंड थैंक यू सो मच, मैं ये PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम में दे दूंगी। ये रहा मेरा टेलीग्राम ID, जिन लोगों ने अभी तक नहीं फॉलो की है आप लोग प्लीज करें, इसमें मैं PDF डाल दूंगी, दैट इज @ अंतराचक। आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना पड़ेगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, आई सी यू गाइज एट अनदर क्लास। और एक चीज आप लोग याद रखना कि जो हमारे क्या कहते हैं, रात के 9 बजे की आज की क्लास है यूट्यूब की, उस पर प्लीज आप लोग आइए, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं टेलीग्राम में भी लिंक भेज दूंगी, व्हाट्सएप में भी भेज दूंगी, आप लोग प्लीज उसमें जरूर आइए। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, यस, ओके, थैंक यू इकरा, ऑल राइट, बाय।